Hey guys, hello everyone, kaise ho aap sab log? I hope you all are fine and how was your preparation going on? I hope it was going on amazing. So firstly, I introduce myself. My name is Meenal Kochar. If you don't subscribe my channel, please jaldi se jaiye, link given in the description box mein, jaldi se channel ko subscribe kar dijiye. और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे अब डेली क्विजेस और ये सब स्टार्ट होने वाला है. और जैसे हम लोग जो चीज़ भी करते हैं तो उसके पोल भी हम लोग वहीं पे स्टार्ट करते हैं. सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो, मतलब हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली है हमारे पेपर को लेके, क्योंकि अब हम लोग अगर मैनेज करना स्टार्ट करेंगे ना पेपर वन और पेपर टू को देखेंगे तो हमें पता चलेगा. क्योंकि यू नो पेपर टू हैज़ कंसिस्ट ऑफ 10 यूनिट्स एंड पेपर वन ऑफ कंसिस्ट ऑफ 10 यूनिट, बिकॉज हम दोनों को ही उसमें इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी. क्योंकि हम लोग कैसे पेपर वन करेंगे और कैसे हमारा पेपर टू करेंगे, तो ये चीज़ तो अब आप मान के चलो कि आपको दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी. बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेपर टू है ना जो हमारा, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा पेपर टू का जो सिलेबस है वो. और जो हमारा पेपर वन का सिलेबस है ना तो वो भी है बट वो थोड़ा इजी है, मतलब वो हमने कभी ना कभी जनरल वे में पढ़ा हुआ होता है और उसमें मतलब थोड़ा डिफरेंट है पेपर वन. जो पेपर टू है वो हमने यूजी पीजी में पढ़ रखा होता है तो वो इतना डिफिकल्ट हम लोगों को नहीं लगता है, बट वो है बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत वास्ट है. उन 10 यूनिट्स में हमने जितना भी 11, 12, यूजी पीजी सब चीज़ें की हुई होती ना तो वो सब हमारे इंक्लूडेड है. तो हमारे पेपर वन में 10 यूनिट्स है, बिजनेस एनवायरमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने 11, 12 का BM पढ़ा था वो है, और प्लस HRM है जो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था वो. और उसके बाद शायद हमारा लीगल एस्पेक्ट्स है, उसके बाद मार्केटिंग है, उसके बाद टैक्सेशन है, मतलब पूरा टैक्स कवर हो रहा है उसमें. ये सब चीज़ें हैं लीगल एस्पेक्ट में, GST क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब होता है. तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊँगी. और पेपर वन में हमारे पास क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो है. और उसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन है, 5th यूनिट है हमारा MR है, LR है लॉजिकल रीजनिंग है, 8th यूनिट इज आर हमारा ICT है, ICT के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है, और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हायर एजुकेशन. तो हमारी हायर एजुकेशन एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट ये भी हमारी एक और यूनिट है. मैक्स एंड LR आर बोथ आर द सेम यूनिट्स, उसको हम लोग अलग अलग, उसमें भी मूड्स एंड फिगर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को कवर अप करने पड़ते हैं. तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे चलेंगे डेट हम लोग पहले पेपर वन को हमारा कंप्लीट कर लें, फिर हम हमारा पेपर टू को टाइम दें. मैं उसी सीरीज़ का पहले आपको पेपर टू का टाइम बताऊंगी कि हम लोगों को पेपर टू में कौन सी यूनिट्स को कितने डेज देंगे तो जितना हमारा क्लियर हो जाएगा. या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक दिन हम लोग पेपर वन करें, एक दिन हम लोग पेपर टू करें तो वो हमारा हो जाएगा. और एक दिन ऐसा होता है हम लोग ऐसे टाइम मैनेज करें कि एक दिन पेपर टू के यूनिट्स पहले हम लोग पेपर टू कंप्लीट कर लें फिर पेपर वन कंप्लीट कर ले. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो पेपर टू को ज्यादा टाइम देता है, पेपर वन को टाइम नहीं दे पाते, और पेपर वन ही गेम चेंजर होता है. क्योंकि पेपर वन के हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर टू के हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब मिला के होता है 300 क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं. पर क्वेश्चन इज कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स. ओके, तो 2 मार्क्स के ये सब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, तो इन लोगों को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे यही चीज हम लोगों के लिए मेन है. तो इसी की स्ट्रेटेजी मैं आगे बता रही हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे. तो अब हम मिलते हैं हमारे बुक्स में या हमारे पास जो भी सिलेबस है लिखा हुआ हम लोग उस पर चल रहे हैं कि हम लोगों को कौन सी यूनिट को कितना टाइम देना है. सो लेट्स मूव ऑन टू, हे गाइस, सो बेसिकली अब हम लोग करेंगे हमारी पेपर टू की स्ट्रैटेजी को डिस्कस कि हमारी पेपर टू की स्ट्रैटेजी क्या होगी. हमारी सबसे पहले यूनिट है बिजनेस एनवायरमेंट, उसके बाद हमारी यूनिट है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, और उसके बाद है इकोनॉमिक्स में, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, इट्स नाउ बिजनेस फाइनेंस, नाउ डेट्स इट्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, नाउ बिजनेस जो हमने पढ़ी है वो, और HRM, उसके बाद बैंकिंग, फिर लीगल एस्पेक्ट्स, मार्केटिंग एंड टैक्स. सो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें 10 डेज लगेंगे, इकोनॉमिक्स में 10 डेज, इको में 7 डेज, बिजनेस फाइनेंस में 7 डेज. अगर आप वीक हो, जैसे लग रहा है आपको कोई, आप जो जैसे कोई आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें 2-3 डेज और बढ़ा सकते हो. स्टैटिस्टिक्स में गाइस 8 डेज लगेंगे, मेरी स्टैट्स वीक है तो मैं इसमें 10 डेज लूँगी. बिजनेस एनवायरनमेंट और इसमें लगेंगे हमें 8 डेज, बैंकिंग में 7 डेज, लीगल एस्पेक्ट्स में 12 डेज, मार्केटिंग में 10 डेज, टैक्सेशन में 12 डेज.
तो गाइज इतने सब डेज में भी हम लोग हमारे को ख़त्म कर सकते हैं. देखो 10, 10, 20, 30, 40, 40 and 7, 7, 14, 40 and 14, it's 54, 54 plus 24, it's 90, मतलब 80 डेज में ये मान लो, और 20 डेज रिवीजन के, मतलब हमें हमारे ओवरऑल पेपर टू में हमें हमारा ज़्यादा डे लगने वाला है. सो बेसिकली अब हम लोगों ने इसमें क्या सीखा है कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसको मैं फेयर आउट वीडियो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प हो सके, आपको एक नोटिफिकेशन भी और आपको आइडिया आ सके कि ये चीज़ कैसे होगी और कैसे नहीं होगी. सो गाइज तब तक के लिए बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेरी वेरी हार्ड, बाय.